शहरातील चेतनदास बगीचा येथील राधाकृष्ण मंदिर परिसरात 28 ऑक्टोबर पासून अनेक धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. चेतनदास बाबा स्मृती तसेच कार्तिक महिना पावन दिनावर अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या ठिकाणी मंगल कलश यात्रा, नवचंडी यज्ञ, शिवलिंग अभिषेक, पूजा अर्चनासह अनेक कार्यक्रमांनी परिसर दणाणून गेला. भागवत होम हवन वेद स्तुती सुद्धा आयोजित करून शेकडो भाविक या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाले. पंडित आशिष वर्धन दुबे यांच्या हस्ते अभिषेक पूजन करण्यात आले. तर उत्तर प्रदेश वृंदावन धाम येथील पूज्य चंद्रिका प्रसाद शास्त्री यांच्या मधुर आवाजात प्रवचन सादर करण्यात आले. या ठिकाणी महाप्रसादाचे आयोजन करून या महाप्रसादाचा हजारो भाविकांनी लाभ घेतला. यहाँ पर चेतनदास कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर में एक सप्ताह से भागवत गोमात्मक यज्ञ, शिवलिंग निर्माण पूजन, अभिषेक तथा नवचंडी यज्ञ की पूजन हो रहा है. यहाँ बहुत संख्या में महिलाएं यहाँ रोज पूजन करने आ रही है, दर्शन करने आ रही है. और नौ गांव के महाराज जी, दुबे जी और शास्त्री गुरु जी यहाँ पे पधारे हैं. उनके मार्गदर्शन में पूजन, अभिषेक, यज्ञ हो रहा है. यहाँ जो भी गुजरे लोग हैं, जो उनकी आहुति यज्ञ, आहुति भागवत होमात्मक यज्ञ, उनको यहाँ आहुति दी गई है. होमात्मक यज्ञ आहुति यहाँ पर उनके नाम से क्या दी गई है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो. और नवचंडी यज्ञ कर यहाँ पे नौ माताओं का पूजन हुआ है. यहाँ पांच जोड़े बैठे हैं और उनके जरिए पूजन, अभिषेक, हवन, होम हवन हुआ है. और यहाँ सभी सखी मंच ने विगत 28 तारीख को यहाँ कलश यात्रा निकाली गई. बहुत बड़े पैमाने पे महिलाएं थी तथा यहाँ पूरे 7 दिन से अभिषेक पूजन हो रहा है. और अभी आज पूर्णा होती हवन था. सुबह अभिषेक हुआ, अभी हवन था. और सभी महिलाएं, सभी लोगों ने चेतनदास मंडल, स्मशानगढ़ एवं विलास नगर, संतोष नगर, सभी तरफ से यहाँ लोगों का आगमन हुआ. सभी यहाँ पे आए और भार्गव, मोर्शी, डिगरस एवं भरतवाड़ा, सभी जगह से, भार्गव से भी, मोर्शी सब जगह से लोग यहाँ पे आए हैं. और उनके जरिए भी यहाँ पूजन, अभिषेक पूजन हुआ है. धन्यवाद.